देखो जी, पनीर मखनी बना दिया, ठीक है। फिर तवा पिज्जा बगैर अवन के बना दिया। तो अब पनीर मखनी पिज्जा क्यों बनाऊं मैं? हैं, मैं पिछले 2 हफ्ते से यही सोच रहा हूं, लेकिन हमारी टीम में बहुत सारे यंग जवान बच्चे हैं जिनके लिए पनीर मखनी पिज्जा जो है वो लाइफ लाइन है, और उसके बगैर वो मतलब इस बॉर्डर लाइन पे आ चुके हैं कि नौकरी छोड़ जाएंगे, इस बार नहीं बनाया था। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार, और मेरे बच्चे नौकरी ना छोड़ें इसलिए मैं बना रहा हूँ पनीर मखनी पिज्ज़ा। बड़ी अच्छी रेसिपी है, बड़े काम आएगी। बाकी कोई बात नहीं, गॉड इज़ ग्रेट, ठीक है। रेसिपी बड़ी अच्छी है। कॉलिंग एंड एक्शन। देखिए, एक टाइम होता था जब बड़े जो है ना वो डरा धमका के ऐसे बच्चों को मना लेते थे। अब वो टाइम गया है भैया, सुन मैं, अब चुपचाप वो करो जो कहा जा रहा है, इसलिए चुपचाप बना रहा हूँ मैं पनीर मखनी पिज्ज़ा। डराना धमकाना वो सब नहीं चलता, अब जनरेशन चेंज हो गई है। रणवीर बरार, चुपचाप ले लो 7 टमाटर और साथ में ले लो 2 ठो प्याज, और उसके बाद मोटा मोटा काट लो। अगर छोटे हैं तो 1/2, बड़े हैं तो 1/4। प्याज भी 1/4 या 1/6। अदरक लहसुन, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। तो बेसिकली तीन काम करने हैं हमको, तीन प्रेप हैं इस डिश के। एक प्रेप है मखनी ग्रेवी बनाना, दूसरा प्रेप है पनीर मैरिनेट करना, और तीसरा प्रेप है डो बनाना, ठीक है। जिंदगी में और खाने में मुश्किल काम पहले निपटा लो। मैं बोल रहा था ना, आज का जो है किचन लेसन्स आर लाइफ लेसन्स होना चाहिए। तेल में तब तक कुछ नहीं डालना जब तक कि तेल गरम ना हो, तैयार ना हो, ठीक, वरना टेस्ट नहीं आएगा। और जिंदगी में तब तक कोई काम नहीं करना जब तक पूरी तैयारी ना हो, वरना आपके अनुकूल रिजल्ट नहीं आएगा। अदरक लहसुन, कलर नहीं देना, अनियन। अब इस स्टेज में इसके अंदर आप चिलीज भी डाल सकते हैं, कश्मीरी चिली साबुत रंग वाली, लेकिन मैं देगी मिर्च पाउडर डाल के बच जाता हूँ। आप कहते हैं देगी मिर्च पाउडर नहीं मिल रहा रणवीर, तो कश्मीरी मिर्च पाउडर यानी कि कोई भी रंग वाली मिर्च का पाउडर, बेड़गी मिर्च का पाउडर, कश्मीरी मिर्च का पाउडर, देगी मिर्च का पाउडर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है जी। क्या बोला था मैंने? रंग नहीं देना। नमक, अब लाओ जी मसालेदानी और डालो इसमें देगी मिर्च, साथ में डालो थोड़ी हींग। हींग ऑप्शनल है, हम डाल देते हैं। देगी मिर्च डालने के बाद हल्का सा उसको बस थोड़ा सा किस करना है आग के साथ, हैं, ताकि देगी मिर्च का एकदम से रंग में जंप आ जाए। उसके बाद पानी, पानी के बाद काजू। कितने प्याज थे? 2। कितने टमाटर थे? 7। यानी कि 7 और 2, 9 काजू डाल दो। एक टमाटर को एक काजू चाहिए बस गाढ़ा करने के लिए। काजू नहीं ठोकना, काजू की ग्रेवी नहीं है, मखनी ग्रेवी है। हल्की सी शुगर, हनी भी डाल सकते हैं, शुगर भी डाल सकते हैं जी, गुड़ भी डाल सकते हैं। लो, ढक्कन लगाओ और प्रभु के गुण गाओ। ये होगा जी प्रेप नंबर 1, ठीक है। प्रेप नंबर 2 है डो उर्फ आटा। अब यहां पर क्या है कि आप पिज्जा की टांग तो ऑलरेडी खींच रहे हैं, है ना, मखनी डाल रहे हैं उसके अंदर। जब आपने एक टांग खींची है टॉपिंग चेंज करके, दूसरी टांग भी खींच लीजिए डो चेंज करके। तो डो को हम लेके जाएंगे थोड़ा कुलचे की तरफ, है, नमक और दही, और डो थोड़ा लूज रखना है। और लूज रखने के 2 कारण है, एक तो ये कि हम इसको स्टफ करेंगे बाद में, है ना, दूसरा जितना डो में पानी रहेगा उतना डो फूलेगा पानी की वजह से, पानी स्टीम बनेगी ना, और तीसरा इस डो में रवा है, रवा उर्फ सूजी, और सूजी की टेंडेंसी है पानी पीने की। कम से कम इतना ढीला रखना है डो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में मैदा ढलेगा और जो रवा है इसके अंदर टाइट होगा, ठीक है जी। अगर डो आपने टाइट कर दिया तो
तो बाद में स्टफिंग भी नहीं आएगी और टेक्सचर भी अच्छा नहीं आएगा। अब इसको फिनिश करने के लिए दो चीज़ डालनी है, एक तो हल्का सा तेल और दूसरा बेकिंग सोडा, और हम दोनों चीज़ एक साथ मिला देंगे लेकिन तेल नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर दिल है हिंदुस्तानी तो फिर हमारा प्रिय मित्र घी आना चाहिए ना। मिक्स करके अब इसमें घी के साथ मिक्स क्यों किया सोडा, क्योंकि सोडा अगर आप सीधा खट्टे के साथ डालेंगे तो सोडा बुझ जाएगा, और यहाँ पे खट्टा क्या है, यहाँ पे है खट्टा दही, तो इसलिए डायरेक्टली सोडा जो है वो दही के कॉन्टैक्ट में ना आए इसलिए उसको तेल या घी में मिक्स कर लेते हैं। ओल्ड गुजराती ट्रिक है ये, जब भी इंस्टेंट ढोकला वगैरह बनाते हैं तो यूज़ करते हैं इस ट्रिक को। तो अभी क्या हुआ, जो सोडा है उसे कण-कण में घी जो एकदम रच चुका है, एकदम से जाके वो अटैक नहीं करेगा खट्टे के साथ, थोड़ा वक्त लेगा। अभी जी एक और लाइफ लेसन कि जिंदगी में भलाई और मैदे में ढलाई बहुत जरूरी है, इसलिए ये हो गया मैदे की ढलाई का प्रोग्राम शुरू। कम से कम इतना मत छोड़ना है इसको। तो जी दो प्रेप हो गए, ठीक है। सबसे पहला तो ये हमारी ग्रेवी का मामला ऑलमोस्ट रेडी है, दो तीन मिनट में इसको हम ठंडा करके ग्राइंड कर देंगे। दूसरा ये हमारा डो जो है इसकी भलाई ढलाई हो रही है। तीसरा काम रह गया पनीर मैरिनेट करना है, तो पनीर मैरिनेट करने के लिए आपको चाहिए पनीर। ये तो है एक्साइटमेंट वाला पनीर, मतलब अगर आप मेरे ऐसे शौकीन हैं उसके लिए, लेकिन अगर आपको पिज्जा के ऊपर पनीर डालना है तो इसका भी हाफ कर लीजिए। ये एक दो बड़े बड़े पीस रख रहा हूं मैं, क्यों, कैमरा के लिए। अब थोड़ा डेकोरेशन भी तो सोचें, और शिमला मिर्च, ये लो जी पनीर सब्जी सारी साथ में डाल दो, हरा भी डाल ही देते हैं, हरे शिमला मिर्च ने क्या पाप किया है भाई। नमक, ब्यूटीफुल, हल्का सा तेल, ब्यूटीफुल, तेगी मिर्च, हल्का सा बिल्कुल पिद्दू सा धनिया, हल्की सी हींग, और मेरा प्रिय मित्र धनिया। Here we are. Nice. अब इसमें आप चाहें तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा नींबू या दही डाल सकते हैं। टाइम फॉर अनदर किचन लेसन विच इज लाइफ लेसन। जैसे जिंदगी में हर चीज का बैलेंस अगर हो तो लोग बोलते हैं कि भाई बड़ी फुलफिलिंग लाइफ इन्होंने जी है। हंसना, खेलना, रोना, हर चीज जिंदगी में होनी चाहिए। वैसे खाने में भी हर चीज होनी चाहिए, खट्टा भी, मीठा भी, तीखा भी, नमकीन भी, कड़वा भी, तभी खाना जो है वो फुलफिलिंग होता है, तभी खाना कंप्लीट होता है। तो खाने को टेस्ट करते रहें और फ्लेवर्स का बैलेंस ढूंढते रहें, बिकॉज बैलेंस इज एवरीथिंग इन फूड एंड इन लाइफ। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये ग्रेवी अपनी रेडी है। ग्रेवी रेडी है कैसे पता, बस टमाटर अगर पक गए तो समझ लीजिए ग्रेवी रेडी है। तो तीनों एलिमेंट हो गए जी, वो देखो वो डो पड़ा है उसकी भलाई हो रही है, ये दूसरा पनीर हो गया जो मैरिनेट हो गया, और तीसरा ये ग्रेवी जो है इसको ठंडा करके ग्राइंड करना है। ठंडा करके ग्राइंड करिएगा, ठीक है जी, गरम गरम ग्राइंड मत कीजिएगा, वरना आपको पिज्जा तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा, साथ साथ में बर्नौल भी ऑर्डर करनी पड़ेगी। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था पिज्जा बनाना है, ऑर्डर नहीं करना, और बर्नौल की कोई जरूरत नहीं है, ठंडा कर लेना है। देखो जी मक्खनी है तो मक्खन तो डालना पड़ेगा ना। तो जी ये ग्रेवी हमारी स्ट्रेन होके आ गई, देखिए क्या फर्स्ट क्लास एकदम एकदम बढ़िया हो गई, ब्लेंड करके स्ट्रेन कर लिया। जिंदगी में और कुकिंग में जब भी डाउट में हो तो छान लें अपने विचारों को भी और अपनी ग्रेवी को भी। किचन लेसन नंबर 4, देगी मिर्च, धनिया, टच ऑफ हींग, बस इसको हल्का सा मिक्स किया, मिक्स ऐसे किया कि धनिया की हल्की सी जैसी खुशबू आई, 1, 2, 3 एंड डन। इसमें हमने अपनी ग्रेवी डाल दी, और इसमें डालो जी थोड़ा पानी ताकि ग्रेवी को पकने का वक्त मिले। देखिए ब्लेंडिंग के बाद चाहे वो सूप हो चाहे वो ग्रेवी हो, अगर आप उसको ब्लेंड कर रहे हैं, भले ही उसको छान रहे हैं या नहीं छान रहे हैं, लेकिन ब्लेंड करने के बाद पकाना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके अंदर के टेक्सचर और उसके अंदर के फ्लेवर दोनों को इवन आउट होने के लिए हीट
और टाइम दोनों चाहिए। अब धीरे 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 बिल्कुल धीरे धीरे ये ग्रेवी अपने क्या बोलते हैं उसको रुबाब पे आएगी। किचन लेसन नंबर 5 इन कुकिंग एंड इन लाइफ, इट विल हैपन व्हेन द टाइम इज राइट। जिस चीज को जितना वक्त लगना है उसको उतना वक्त लगना है जिंदगी में और खाने में। देखो जी डो की तरफ आते हैं वापस। ये देखिए डो में दो चीज हुई है, एक तो ये जाला बना है। जाला क्यों बना है? बेकिंग सोडा की वजह से। और दूसरी चीज ये हुई है कि डो अब ढल गया है, देखिए कंफर्टेबल हो गया ना, वो क्यों हो गया है? रवा की वजह से। भाई और बहनों धनिया मिर्ची का प्रोग्राम चलता रहना चाहिए। यही दो चीजें हम हमेशा सब्जी वाले से फ्री लेते हैं और यही दो चीजों के बगैर हम खाना नहीं बना सकते, धनिया और मिर्ची। बताइए विधि की विडंबना देखिए। देखो जी वैसे तो मैं कुलचा प्लेन भी बना सकता था, बट मैंने कहा अगर चीज क्रस्ट पिज्जा हो सकता है तो हमारा ये चीज कुलचा क्यों नहीं हो सकता। तो ये चीज कुलचे की हमने स्टफिंग रेडी कर ली है जी। अब हमने काटना है पेड़ा। ये देखो जी हाथों का लगाना है थोड़ा घी, पेड़े के बीच में बनानी है जगह और इसके अंदर डालनी है स्टफिंग और इसके बाद ऐसे स्टफिंग को कर देना है जी पुश। और कहने को पिज्जा बेस और कहने को चीज कुलचा। देखिए वैसे कोई भी चीज जो है वो फ्लूक नहीं होती, हाँ तुक्का नहीं होता। मखनी ग्रेवी जो है वो इंडियन केचप है, हाँ खट्टी मीठी ग्रेवी है इंडियन केचप। तो वही इंडियन केचप लेके पिज्जा के ऊपर डाल दिया क्योंकि वो खट्टा मीठा फ्लेवर जो है रिपीट हो रहा है, तुक्का नहीं। फिनिश देखिए ग्रेवी की एकदम सिल्कन। सॉल्ट, हल्की सी शक्कर, क्रीम, क्रीम ऑप्शनल है जी, नहीं डालनी मत डालो। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर क्रीम तो है नहीं तो हम ये नहीं बनाएंगे आज। चलो हमारा जो डो है वो भी रेडी है, हल्का सा ढलने देते हैं इसको और तब तक हम अपना पनीर करते हैं टॉस। जब तक तैयार ना हो तब तक काम ना शुरू करें। पनीर को ना एकदम पकाना नहीं है, बस हल्का सा टॉस करके निकाल लेना है। हल्की सी पंजाबी में कहते हैं ठार पन्नी है, मतलब उसकी ठंड मारनी है, बस रूम टेम्परेचर पे लाना है। हल्का सा जो अनियन और वेजिटेबल्स हैं उनमें एक थोड़ा ताप सा आ जाए, वो पकना शुरू हो जाए और हटा लेना है। ये थोड़ी कसूरी मेथी, बस ठार पन्नी है, याद है ना। बस जैसे लोग कुलचा बेलते हैं वैसे हम अपना चीज क्रस्ट पिज्जा बेल रहे हैं जी। ये देख लो अंदर चीज इसके लवा लवा एकदम बाहर आने को एकदम छाले मार रहा है। थोड़ा रवा डाल रहा हूं मैं, आप रवा और मैदा मिक्स करके भी डाल सकते हैं, सिर्फ मैदा भी डाल सकते हैं। रवा से जो है ना खस्तापन आता है, एक्स्ट्रा क्रिप्सीनेस आती है, एकदम क्रिप्सी क्रिप्सी हो जाएगा वो, क्रस्टी हो जाएगा। एक्चुअली क्रस्टी इज द राइट वर्ड, ब्यूटिफुल। हेलो जी हूँ दोस्तों, अभी आमतौर में कहता हूँ कि इसमें जरा होल कर देना, थोड़े थोड़े होल करेंगे तो चीज़ सारा निकल जाएगा बाहर और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा दबा लीजिएगा। जो साइड आपको ऊपर रखनी है पिज्जा की वो साइड पहले जाएगी, यानी कि नीचे वो साइड जाएगी जो बाद में ऊपर आएगी, ठीक है। जिस साइड पर टॉपिंग होगी वो साइड तवे पे पहले जाएगी। ये देखिए, ये देख रहा है, ये साइड जो है टॉपिंग वाली साइड है और दूसरी वाली साइड जो है वो बेस वाली साइड है। अब इसको चाहे तो पैन के अंदर भी टॉपिंग कर सकते हैं, उतार के भी टॉपिंग कर सकते हैं, आप क्या चाहेंगे बताइए। हाँ मुझे पता था आप पैन के अंदर ही करना चाहेंगे ना, डबल काम क्यों करना। सबसे पहले सॉस, ठीक है।
ठीक है जी, मखनी ग्रेवी फैला दी नीचे। इसके बाद आ गए जी अपने पनीर, कुछ सब्जियां और पनीर नीचे और कुछ सब्जियां और पनीर ऊपर, ऊपर मतलब चीज़ के ऊपर। हेलो जी, चीज़ इसको कहते हैं लबालब, अंदर भी लबालब चीज़ से और बाहर भी लबालब चीज़ से। बस इसे ज़्यादा चीज़ नहीं डालनी, क्यों, वरना चीज़ जो है वो सारा बह के साइड में आ जाएगा और पिज़्ज़ा पे कुछ नहीं रहेगा। खाने में और ज़िंदगी में हाथ कब रोकना है ये बहुत ज़रूरी है। हाथ कितना छोड़ना है इससे ज़्यादा हाथ कब रोकना है। रिस्ट्रेंट इज द एसेंस ऑफ कुकिंग इन लाइफ, किचन लेसन नंबर व्हाटएवर। थोड़ा सा मखनी सॉस ऊपर, पनीर भी थोड़ा सा ऊपर, क्यों, मैंने बताया था ना आपको फोटोग्राफी के लिए। हेलो जी, अब धीमी से धीमी गैस पे रखिए, ढक्कन लगाइए और घूम के आइए, हैं 5 से 7 मिनट कुछ नहीं करना। इसको दूसरी साइड बिल्कुल कच्ची है, याद है कुलचे की दूसरी साइड बिल्कुल कच्ची है, वो धीरे धीरे पकेगी, ऊपर गर्मी जाएगी, चीज़ मेल्ट होगी, पिज्ज़ा रेडी हो जाएगा, वक्त लगेगा हर अच्छी चीज़ को ज़िंदगी में और किचन में। वक्त लगता है, नाइस। देखिए एकदम, आवाज़ सुन रहे हैं आप, इस आवाज़ का नाम है क्रिप्सी आवाज़, क्रस्टी आवाज़। देखिए हमारा फोटोग्राफिक जो फोटोजेनिक पनीर टिक्का है कैसे एकदम से मुस्कुरा रहा है, ऐसे मुस्कुरा रहा है कि बस बाँछें खिल रही हैं पिज्जा की। बाँछें खिलना समझते हैं ना, नहीं समझते तो जाइए फिर अपनी क्लास 10th की हिंदी की बुक निकालिए। देखिए मन तो कर रहा है इसे खा लूँ एकदम से घपाघप, लेकिन खाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी तस्वीरें ली जाएंगी, यूँ घूमेगा आपको ललचाएगा, उसके बाद हमको खाने को मिलेगा। जल्दी जल्दी तस्वीरें ले लीजिए। मैं कहीं मजा आ गया, पर खाओ ऐसे कि बाद में उंगलियां चाटनी पड़े, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों वाला पिज्ज़ा नहीं है ये हमारा पनीर टिक्का मखनी। प्लीज बनाइएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत टेस्टी है।